हौसला अगर हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। रांची के कोकर की रहने वाली एक महिला, तीन बच्चे हैं उसके, घर में कमाने वाला कोई नहीं। पीएम आवास अलॉट हुआ लेकिन मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं थे। महिला ने हौसला दिखाते हुए तमाम कामों को खुद अंजाम देने की ठान ली। और दिखाते हैं हम आपको एक रिपोर्ट कि किस तरह से महिला ने अपने सपनों के आशियाने को मंजिल तक पहुंचाने की कामयाब कोशिश कर दिखाई है। हौसला बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। पति का साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, अपने बच्चों के लिए घरौंदा तो तैयार करना ही है। रांची के कोकर अखड़ा कोचा की रहने वाली तीन बच्चों की मां सरिता क्रिकेटा खुद से ही अपने सपनों का घर बना रही हैं। दीवार खड़ी करने से लेकर ईटा बालू ढोने, मसाला बनाने का काम भी खुद ही कर रही है। दो महीने में सरिता ने लिंटन तक का काम पूरा कर लिया है और अब वो सेप्टिक टंकी बनाने का काम कर रही हैं। सरिता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए रांची नगर निगम से 2.25 लाख रुपए राशि की सब्सिडी की पहली किश्त मिली है। जोश से भरी सरिता कहती है कि 1.5 से 2 महीने में घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे शुरू में तो ये झोपड़ी का था, खपड़ा का जो पहले हुआ करता था, उसके बाद उसको तोड़ के वही सीखने के ही चलते उसको हम बनाए, तो समझ गए कि मैं अब लगभग सीख गई हूँ। उसके बाद मैं अपना इंद्रवास भर के तब फिर मैं ये वाला शुरू की। अभी तक 2 रूम और हॉल, किचन और बाथरूम का टंकी तैयार कर ली हूँ। प्रधानमंत्री आवास से मैं तो 2,25,000 मिलेगा और अभी तक मिला है 45,000। पहले लोगों को लगता था कि ये काम महिला के बस की बात नहीं, लेकिन इस महिला ने पुरुष प्रधान समाज को टक्कर देते हुए घर बनाने का काम भी कर दिखाया। सरिता के पति की मौत 10 साल पहले ही हो चुकी है। परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं, सास भी साथ रहती है, खुद रेजा का काम करती हैं। इतनी आमदनी नहीं कि मजदूर रखकर घर बनवा सके। बहुत तकलीफ था, हमको तो नहीं लग रहा था कि हम इतना कर पाएंगे, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारे और हिम्मत को बनाए रखे, अभी इस मकान पर पहुंचे, हिम्मत अथी करके बांध के। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। शुरुआत के दिनों में क्या कुछ करके कैसे गुजारा चला परिवार का? शुरू में तो ऐसे ही चलता था, हमको लगता था नहीं कि ऐसे ही हम काम करने सीख जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे किस्मत सीख गए तो अभी हमको लगता है कि हम किसी का सहारे का हमको जरूरत नहीं है, हम मैं अपने खुद से अपने परिवार चला सकती हूँ। सरिता की हिम्मत और काम की खूब चर्चा हो रही है। लोग देखने आते हैं कि कैसे एक महिला अकेले अपना घर बना रही है। दीवार जोड़ने से लेकर ईंट ढोने तक का काम वो खुद करती है। सरिता लोगों को सलाह भी देती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस हार नहीं माननी चाहिए। रांची से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए कैमरा पर्सन संजय के साथ मदन सिंह की रिपोर्ट।